2024 के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट के साथ ही भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां आरएसएस लगातार भाजपा के अहंकारी दावों को लेकर उस पर तंज कस रहा है, तो दूसरी तरफ अब बिहार की राजनीति में बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचकर काफी बड़ा संकेत दिया था। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मार सकते हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से बिहार में भाजपा में भी बड़ी कलह शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। अब आपको बता दूं कि गया से बीजेपी के दो बार सांसद रहे हरि मांझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वे अपनी जाति कुशवाहा के वोट तक नहीं ले पाए। इस कारण औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व सांसद हरि मांझी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कई पोस्ट किए। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर से घूमने के बाद ही नेताजी के बिरादरी के लोग काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में वोट नहीं डलवा पाए, इस पर कौन बात करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं तो नेता कैसे हैं? मांझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने चुनावों से पहले सम्राट चौधरी को कई बार फोन किए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अपने बारे में उन्होंने कहा कि वह 10 पार्टियां घूमकर बीजेपी में नहीं आए हैं, बीजेपी में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हरि मांझी ने कहा कि वह बीजेपी के लिए रहते हुए ही मरेंगे। इससे पहले बुधवार को एक पोस्ट में हरि मांझी ने बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बदलने की मांग की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग कर कहा कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो वो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की सुध ले, वे अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दे। ये सब चीजें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकती है। केवल हेलीकॉप्टर में घूमने वाला प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो मोदी सरकार के कामों को धरातल पर ले जाकर लोगों को बता सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मगध और शाहबाद क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर बीजेपी नित एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। इन पर सबसे आखिरी चरण में चुनाव थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से सामने आया है कि कुशवाहा जाति के गोलबंद होकर महागठबंधन के पक्ष में जाने से एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर से ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी में जमकर भसड़ मच चुकी है। आपका क्या कहना है? क्या बिहार में जल्द कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।